नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बात करेंगे सुकमा की, जहां पर अत्यंत नक्सल प्रभावित जिला और कम संसाधनों के बावजूद भी टीकाकरण लक्ष्य को प्राप्त करने में महारत हासिल करने पर सुकमा फिर से सुर्खियों में आ चुका है। शनिवार को प्रधानमंत्री ने वर्चुअली बैठक के जरिए सुकमा की पीठ थपथपाई और वर्चुअली बैठक में सुकमा जिले की तारीफ भी की। सुकमा जिले के लिए ये गौरव का पल रहा जब प्रधानमंत्री मोदी ने जिले की तारीफ करते हुए कहा कि यहाँ तो बेहतर कार्यों की चर्चा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अनुसार जिले में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कृषि सहित समस्त क्षेत्रों में बेहतर कार्य हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की राह सुदृढ़ हुई है। सभी नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और समावेशी विकास के लिए ये अग्रसर है। देश भर के आकांक्षी जिलों की बैठक में पीएम ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के बावजूद भी सुकमा जिले में बच्चों के टीकाकरण में बेहतर काम हुए। जिले में जहां केवल 40 से 50 फीसदी टीकाकरण होता था, वहीं स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से आज 90% टीकाकरण हो रहा है। जिले में शुरू से 5 वर्षों के बच्चों का जो टीकाकरण किया जाता है, उसमें पिछले कई वर्षों से तुलना करें तो पहले इसका प्रतिशत 50-60-70% हुआ करता था। 2018 में यह प्रतिशत बढ़कर 90% हो गया और इस वर्ष से तुलना करें तो फुल इम्यूनाइजेशन का प्रतिशत जो है 100%। सुकमा जिले का चिंता हुआ क्षेत्र न सिर्फ घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है बल्कि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ भी काफी विपरीत है। अगर कोविड टीकाकरण की बात करूँ तो काफी सारी परेशानियों का हमको सामना करना पड़ा। जैसे अभी हल्के हल्की बात बताऊँ तो यहाँ से जब टीम गांव तक के पहुँचती थी तो रास्ते में नदी, नाले, जंगल, पहाड़ सब कुछ पार करते। जब गाँव में पहुँची थी तो खेती किसानी की वजह से गाँव में आधी से ज़्यादा आबादी मिलती नहीं थी। तो हमने ये किया कि टीम को यहाँ से फिर शाम को हमने भेजना शुरू किया। टीम 4 बजे के बाद यहाँ से जाती थी और देर रात तक के गांव में ही रुकते, जब तक कि टीकाकरण पूर्ण नहीं हो जाता था तब तक ही गांव में ही लोग रहते थे। और शायद इसी की वजह से हमारा टीकाकरण का प्रथम खुराक का लक्ष्य आज शत प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। तो आपको बता दें कि ये वो जिला है जो नक्सल प्रभावित है और बावजूद इसके यहाँ पर टीकाकरण का लक्ष्य पूरा किया गया है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम भूपेश बघेल से इस जिले की तारीफ करते हुए कहा था कि यहाँ पर बेहतर कार्य किए जा रहे हैं। और हैरानी की बात ये कि वो जिला जो नक्सल प्रभावित है वो भी अब विकास की तरफ अग्रसर है। आपको बता दें कि चाहे यहाँ पर विकास की, शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए या फिर टीकाकरण के क्षेत्र की, हर काम में यहाँ पर उत्कृष्ट काम किए जा रहे हैं। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी और सीएम भूपेश बघेल ने इस जिले की बेहतरी के लिए बहुत कदम उठाए और जमकर तारीफ भी की। आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी संख्या में बच्चे पहुंच रहे हैं और अपना टीकाकरण करवा रहे हैं। जो लक्ष्य यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग को दिया गया था वो लक्ष्य करीब करीब स्वास्थ्य विभाग ने हासिल भी किया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रायपुर से अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, बेहतर काम किए जा रहे हैं इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से वहां पर काम कर रहा है, क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के बावजूद भी यहां पर टीकाकरण का लक्ष्य बखूबी पूरा किया। बिल्कुल मोनिका, जिस तरीके से सुकमा एक नई पहचान बनता जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सुकमा नक्सल प्रभावित बल्कि घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है। एक पहचान पहले थी कि यहाँ पर नक्सली समस्या इतना था कि वहां पर आए दिन घटनाएं होती थी रहती थी, लेकिन आज अगर वहां बात करें तो सुकमा को एक विकसित जिले के रूप में पहचान बनाता नजर आ रहा है। यहाँ पर जो जिला कलेक्टर है विनीत नंदनवार, यहाँ पूरी तरह से जिले को एक नई पहचान देने के लिए कोशिशों में जुटे हुए हैं। जिस तरीके से यहाँ पर 100% जो टीकाकरण हुआ है, घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र का जिला जो पहली बार छत्तीसगढ़ के सभी जिलों को पछाड़ते हुए
सुकमा ने यहाँ पर जो वैक्सीनेशन में अपना जो अभियान तेज रखा है और यहाँ 100% जिस तरीके से, और इसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूरी भूरी प्रशंसा भी की है। उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि सुकमा एक नई कहानी, नई इबारत लिखता नजर आ रहा है, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यों की भी उन्होंने सराहना की इसको लेकर, क्योंकि सुकमा ने जिस तरीके से अपनी पहचान बनाई है देश में, तो कहीं ना कहीं ये बात है कि सुकमा जैसा जिला जो काफी पिछड़ा हुआ था, अविकसित सा था, तो ऐसे में अग्रणी आना एक बड़ी बात है। जी मोनिका, अमित बहुत शुक्रिया, बने रहे हमारे साथ, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और